पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव हो गया था और हस्बैंड की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो उस हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मंडे मॉर्निंग टाइम है और आज सुबह ना 4 बजे, लगभग 4:15 बजे, इतनी तेज़ आंधी तूफान ओले गिरे बहुत ज़्यादा। लग रहा था ना जैसे ओले की आवाज़ से हम लोग बाहर तो नहीं आए। उठने तक तो ठीक हो गया था। आज बच्चों का एग्ज़ाम है, रेडी कर दिया उनको। थोड़ा सा मैं छत में आई थी देखने की गेहूँ कितना गिरा है, बट ठीक है, उतना ज़्यादा भी नहीं गिरा है, कहीं कहीं पे गिरा है। मतलब बेमौसम बारिश ओले ये हो जाए ना तो फिर थोड़ा सा नुकसान हो जाता है फसल को। बारिश तो चलो ठीक है, पर जो ओले गिरे ना उससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मौसम तो अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा, और गंदगी मेरे आंगन में इतनी ज़्यादा हो रही है। आज मुझे 1 घंटा लगेगा पूरा सफाई करने में। तो 1 मिनट दिखाती हूँ सुहाना सा व्यू। हल्के हल्के गेहूँ गिरे हैं, शायद दूर कहीं और खेतों में ज़्यादा गिरे हो सकते हैं। और मौसम तो क्या मस्त हो गया, अभी भी बारिश आने जैसा हो रहा है। और ये मेरे आंगन की हालत ऐसी हो रही है। शंख की आवाज़ आ रही होगी, पापा कर रहे हैं पूजा नीचे और मैं भी जाती हूँ नीचे, बच्चों को छोड़ के आती हूँ, उनके बस का टाइम हो रहा है। आज थोड़ा सा लेट उठी ना क्योंकि बारिश हो रही थी, मैंने कहा बाहर की सफाई तो हो नहीं सकती है। लेट उठी तो उस वजह से सारे काम रखे पड़े हैं अभी। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ना यहाँ पे मैं आ गई थी आंगन में और झाड़ू लगाऊंगी। जो ये आम के पेड़ में फूल लगा होता है ना वो, और पत्ते आजकल डेली सुबह शाम मतलब 2 टाइम झाड़ू लगाना पड़ता है, डेली गिरता है। तो आज ये बारिश और ओले के वजह से ना कुछ ज़्यादा ही गिर गया था, वरना थोड़ा थोड़ा करके गिरता है, डेली गिरता है तो आराम से साफ हो जाता है। बट आज ओले और बारिश के वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हुआ था और हमारे गेट के यहाँ पर थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो उस वजह से यहाँ पर ज़्यादा गंदगी रहती है। लगभग 4 से 5 टप मैंने ये फेंका था, इतना ज़्यादा गंदा हुआ था। और 2 पेड़ हैं घर के आगे, तो उसका जितना भी फूल और पत्ते थे ना, ये पूरा हर साल होता है ये, बट जिस दिन थोड़ा सा बारिश और ये आधी आती है ना हवा चलती है तो उस वजह से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसलिए सुबह सुबह मेरा इतना काम पड़ गया था, लगभग 1.5 घंटा लगा मुझे ये साफ़ करने में। बड़े आंगन का फ़ायदा नुकसान दोनों है। कभी कभी तो लगता है कि हाँ खुली खुली जगह ये सब कुछ अच्छा है, बट जब सफाई करने का होता है ना, मतलब ऐसे टाइम पे जब बारिश आंधी तूफान ऐसे आता है, तो बहुत ही ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। 1.5 घंटा लगभग लगा था इसको साफ़ करने में। पूरी हमारी जो घर के आगे रोड है ये पूरा फैला हुआ था, ये जो आम का फूल है ये पूरा बुरादा जैसा है, ये बहुत ही गंदा हो रहा था, चिपक जा रहा था बिल्कुल, तेज़ तेज़ झाड़ू लगाना पड़ रहा था। इन लोगों के कुत्ते की ऐसी हालत है, हमारे गेट के ऊपर चढ़े रहते हैं सबके हाथ, झाड़ू लगाते लगाते हालत ख़राब हो रही है और इसकी देखभाल ही करते करते हालत खराब हो रही है। 1 से 1.5 घंटा लगभग बारिश हुई थी, ज़्यादा तो नहीं हुई थी, और ओले भी गिरे थे क्योंकि आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ तेज़ सुबह, लगभग 4:30-5 बजे के लगभग। तो मतलब ज़्यादा देर बारिश नहीं हुई, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। क्योंकि पेड़ होते हैं ना घर के आगे, तो फ़ायदा नुकसान दोनों ही है, बट पेड़ अच्छे होते हैं, मतलब हवा छाया ये सब कुछ देते हैं। तो यहाँ पे ना पूरा घर के चारों तरफ और रोड में सब कुछ मैंने सफाई कर ली थी, और ऐसे मैंने 3-4 जगह इकट्ठा करा था ये, क्योंकि एक जगह इकट्ठा करना मुश्किल होता है। 3-4 जगह ऐसे इकट्ठा करा था और फिर ऐसे टप में भर भर के नीचे खेत में फेंक दूंगी। थकान हो गई है और आज तो मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई है, जो वो टप भर भर के ना गीला हो रहा था, उठा के 4 टप फेंके, 4 या 5 ऐसे फेंके, उठा के नीचे फेंके, सब इन पेड़ों के करामात है। बट क्या कर सकते हैं, है ना, हवा देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, अभी सफाई कर रही हूँ, 2 महीने बाद आम खाऊंगे। फिर ये सब इन्हीं का कूड़ा है, इतनी तेज आंधी आई ना, अभी तो पूरे लगभग हमारे अभी से लेके जून तक ऐसे रहेगा, आंधी चलती है, पूरी धूल
खेतों की धूल सब अंदर आती है। अभी बाहर की सफाई हो गई है, अंदर भी इतना गंदा हो रहा है ना कि खिड़कियों के रास्ते पानी अंदर आया था, तो वो साफ करना है मुझे। और फूलों की सुंदरता बढ़ गई है, ये वाइट रोज खिल रहे हैं हमारे। कुछ टाइम पहले मैंने स्ट्रॉबेरीज के पेड़ लगाए थे ना, तो आजकल हमारी स्ट्रॉबेरी हो रही है, लेट हो रही है, बट कोई नहीं, एक या दो डेली हो जाती है। आजकल सौम्य छोटू डेली तोड़ते हैं और खाते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं फिर वो। नाश्ता बन गया है, हस्बैंड चले गए हैं, मम्मी लोगों को भी दे दिया है, और मेरा नाश्ता है रोटी सब्जी और खीरा पपाया। तो ये सब कुछ ना हम लोग, मतलब मैंने अभी से ही अपनी लाइफ में ऐड नहीं करें, ये कोविड के टाइम से हम लोगों ने फ्रूट्स अपने डेली लाइफ में ऐड करें। पहले कभी खा लिया तो ठीक है, नहीं खाया तो ठीक है, बट कोविड के टाइम से तो हम प्रॉपर फ्रूट्स लेते हैं जितना हो पाता है। ऐसा नहीं है कि भर भर के हम लोग ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही खाएं, ऐसा कुछ नहीं है, बट लेते प्रॉपर हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। 10 दिन हम लोगों ने भर के खाया और फिर छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिसिन के तौर पे ना थोड़ा थोड़ा सब कुछ लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कोविड के टाइम पे हस्बैंड, मतलब हमारा पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव हो गया था, और हस्बैंड की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो उस टाइम से उनके लाइफ में मैंने कीवी और पपीता तो डेली होता ही होता है, सिर्फ मेडिसिन के तौर पे एक पपीता एक हफ्ता चलाती हूँ। जब वो उनको अकेले देते तो एक हफ्ता चल जाता है, जैसे हम सब लोग खाते तो फिर 4 से 5 दिन, और कीवी मैं एक कीवी 4 दिन चलाती हूँ उनके लिए, और हम लोग कभी कभी खाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, इम्यूनिटी की। तो वही है, ये चीज़ें ना हमें अपने डेली लाइफ में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं तभी खाएं, या हमको इस किसी और चीज़ की ज़रूरत है तभी खाएं। मेडिसिन के तौर पे अगर हम ये सब कुछ अपने डेली लाइफ में करें तो बहुत अच्छा होता है। तो आज मतलब 2020 में हमको कोविड हुआ था, उस टाइम से लेके आज तक का हम लोग फ्रूट्स डेली लेते ही लेते हैं। तो बस यही है, मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, और आज मैंने एक्सरसाइज भी नहीं करी तो थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, बट बाहर पे मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई थी, थकान हो गई उससे इतना। आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, फिर मैंने कल कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इस वजह से मन नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, डेली सेम रूटीन, एक्सरसाइज से शुरू होता है। तो यहाँ पे बच्चों की छुट्टी थी और लेट उठी थी, तो लेट एक्सरसाइज हो रही है, बट करती ज़रूर हूँ आजकल एक्सरसाइज, और खाना भी प्रॉपर खाती हूँ और एक्सरसाइज भी डेली करती हूँ ताकि आज से मेरा वेट ना बढ़े। और वैसे भी एक्सरसाइज एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो नॉर्मल जितनी भी एक्सरसाइज होती है, जो जो मुझे आती है, वो डेली करती हूँ। अभी है शाम का टाइम और फिर सुबह एक्सरसाइज किया, उसके बाद कोई भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हल्की बूंदाबांदी थी, कहीं बाहर गई नहीं, बस किचन का काम होता है। तो यहाँ पे इवनिंग व्यू थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया है, और बहुत सारे खेतों में ना बहुत ज़्यादा गेहूं गिरे हुए हैं बारिश के कारण भारी नुकसान। हमें हंसी आ रही है, अगर मैं ये पापा के सामने हंस के बोलूंगी ना बारिश के कारण भारी नुकसान, तो बोलेंगे एक तो कह भी रही है नुकसान, और फिर ऊपर से हंस भी रही है। बोले पापा के सामने खेत के बारे में कुछ बोलना, दीदी डेली ये वाले फूल अपने जूड़ा में लगा के ले जाती है। ये देखो मेरे सुंदर से बाल में, बहुत अच्छा लग रहा होगा, सच में बहुत बढ़िया है ना। बंगालन बहुत सुंदर।
दीदी डेली लगा के जाती है। हाय तो करो, हाय, अच्छा वाला हाय करो दी। नहीं नहीं दीदी बड़ा अच्छा करती है लेने के लिए, तो वो शादी वाले ब्लॉग में जो घर आके देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, अंगुली टेढ़ी हो जा रही है तब भी नहीं हो रहा है।